हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक अपडेट दे रहा हूँ जो कि द डायनेमिक ट्रायो के ऊपर में है, जिसमें कि पवनदीप हैं, सलमान अली हैं और शनमुखप्रिया हैं। तो इनकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं टूर की। तो टोटल इनका जो ये यूरोप का टूर है, इसमें टोटल 3 कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हुई है रॉकन म्यूजिक से। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूँ, तो इनका जो पहला जो कॉन्सर्ट है वो RTM स्टेज रॉटरडम जो नीदरलैंड्स में है वहाँ पे है। ये जो है आपका सैटरडे 10 सितंबर को है और इट विल स्टार्ट एट 7 PM लोकल टाइम। तो मैं शो स्टार्ट टाइम बता रहा हूँ, डोर ओपनिंग टाइम नहीं बता रहा हूँ। डोर ओपनिंग टाइम जो है वो 1 आवर बिफोर है और ये टाइम जो है लोकल टाइम है, तो आप उसमें इंडिया का टाइम ऐड कर दीजिए उसके हिसाब से। और ये काफ़ी बड़ा वेन्यू है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 7,800 प्लस है। So this one I think is gonna be very very big concert for these 3 people. और मैं आपको ये भी बताते चलूँ साथियों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें जो ओरिजिनल प्लान था पहले वो डायनेमिक डुओ था, मतलब कि उसमें केवल सलमान अली और पवनदीप थे। तो SNB को भी इंक्लूड किया है एज ए फीमेल सिंगर इसमें, तो ये डायनेमिक ट्राई हो गया ना। कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं कि इसमें अरुणिता को भी होना चाहिए था, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों नहीं है अरुणिता। मेरा मुझे लगता है कि हो सकता है कि अरुणिता की कोई और कॉन्सर्ट्स और शो की कमिटमेंट्स हो सकती हैं या कोई अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं, इसलिए शायद अरुणिता नहीं है। वैसे भी ये 2 ही होने थे पहले, सलमान और पवनदीप, तो अभी इसमें SNP भी हो गई 3 हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये यूरोप में, मतलब ये नीदरलैंड्स में है केवल ओनली शो। उसके बाद ये UK में आ जाएंगे, तो UK इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूरोप बाय द वे। तो UK में इनका जो पहला कॉन्सर्ट होगा वो वेडनेसडे 14 सितंबर को है। सो वेडनेसडे 14 सितंबर, ये डे मॉन्टफोर्ट हॉल लेस्टर में है। तो डे मॉन्टफोर्ट जो हॉल है, ये अगर आपको याद होगा भी रिसेंटली जो टूर हुआ था जिसमें मैग्निफिसेंट 4 रीलोडेड हुआ था, जिसमें चारों आए थे, पवनदीप, अरुणिता, SNP और निहाल, इन्होंने यहाँ भी परफॉर्म किया था लेस्टर में। तो ये सेम वेन्यू है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1600 के आसपास में है और इसका शो स्टार्ट टाइम 8 PM है लोकल टाइम। इसके बाद ये डाउन द साउथ आ जाएंगे UK में, लंदन के पास में वेम्बली में। तो ये वाला जो थर्ड वाला है इनका, वो है 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली। तो ये 27 पाटीदार सेंटर, मतलब ये एक्चुअली गुजराती कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा पिछली बार ब्लू रूम में हुआ था, वो एक बड़ा बैंक्वेट हॉल रेस्टोरेंट था, तो ये उसी टाइप का सेंटर है। काफ़ी इवेंट्स और काफ़ी सेरेमनीज यहाँ पे होते रहती हैं, टाइम टू टाइम फंक्शंस होते रहते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 है और ये फ्राइडे 16 सितंबर को है और इसका शो स्टार्ट टाइम जो है लोकल टाइम UK का 7 PM है। तो ये 3 कॉन्सर्ट्स हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है रॉकन म्यूजिक से। हो सकता है कि टूर में कुछ चेंजेस हो जाए बाद में, जैसे कि कुछ और कॉन्सर्ट्स ऐड हो सकते हैं जो टाइम टू टाइम इनके होते हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं है कि कितने होंगे, ये बाद में हमको पता चलेगा। सो सैटरडे 10 सितंबर से लेकर के लास्ट शो जो है फ्राइडे 16 सितंबर, तो मतलब ये 1 वीक का इनका टूर है। तो आई थिंक दिस इज गोना बी फन फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ द फैंस ऑफ दिस आर्टिस्ट सिंगर्स। और मैं भी देखता हूँ कि मैं कौन सा अटेंड कर सकता है इसमें। हो सकता है लास्ट वाला जो 27 पाटीदार सेंटर जो है वेम्बली, आई थिंक वो वाला मैं अटेंड करूँगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी इसकी टिकट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई कि टिकट्स कैसे कहाँ से सेल हो रही हैं, क्या प्राइसिंग, अभी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, केवल डेट्स अनाउंस हुई हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट करके बताइए, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू पुट फॉरवर्ड टू रॉकन म्यूजिक। Thank you so much, guys. Bye.